डांस बहुत पसंद है, सो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. एंड अदनान बहुत एक्साइटेड था ये गाने को लेकर, उसने हमें पहले ही गाना सुना दिया था एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो. एंड इसीलिए पता है जब एक आर्टिस्ट दिल से काम करता है ना, वो दिख के आता है. और मुझे लगा कि मतलब प्लीज डन वीडियो मैसेज तो एक्चुअली अच्छी बात होती है. एंड मतलब कैसा है कि हर गाने में कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है. एंड हार्ट ब्रेक के लिए अगर देखा जाए तो मैं भी यंगस्टर्स को यही बोलना चाहती हूँ कि प्यार करो, बट एक होता है ना खुद को कभी हार्म मत करना, उस वजह से किसी और को भी हार्म मत करना. एंड यस, राहुल के बारे में क्या कहना चाहिए? उनकी वॉइस बहुत अमेजिंग है. उनका जो फ्रेंडशिप का एक गाना था ना पहले, जो कि बहुत वायरल हुआ था टिकटॉक पर, वो भी एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता कि उनका गाना है. एंड उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो उनकी आवाज़ ने गाने को ऑब्वियसली अलग लेवल पर. इसके अलावा हम जानना चाहेंगे, सच बताओ मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, बट मैं टिकटॉक पर बहुत सारे साउंड देखती हूँ जो टिकटॉक के होते हैं. तो मैंने शहनाज का, आसिम का और सिद्धार्थ का, ये तीन नाम मैंने बहुत सुने हैं. एंड शहनाज बहुत क्यूट लगती है मुझे पर्सनली, एंड आसिम भी बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली सिद्धार्थ भी अच्छा लगता है. मैं देख के ट्राई करती हूँ कि कौन सबसे अच्छा है. लास्ट एक सवाल, क्या कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं आपके? आने वाला तो है आई गेस एक दो हफ्ते में ही मेरा एक गाना लॉन्च होने वाला है विद अवेज, एंड इट्स ब्यूटिफुल सॉन्ग, इट्स अ लव सॉन्ग. एंड आप लोग सब वेट कीजिए, देखिए बहुत ही प्यारा सॉन्ग है. और ज़्यादा नहीं बताओगी क्योंकि आप फिर नहीं देखोगे.